बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो एज वी नो दैट बायोलॉजी इज क्लासिफाइड एज द नेचुरल साइंस, सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द साइंस। Science is an intellectual activity that is designed to discover the information, right? So science is basically systematic knowledge. First we have to define the science, right? What is science? Science is basically systemized knowledge derived from observation. Derived from observation and experimentation. Now these experiments are carried out to determine the principle, right? So for example, in natural world we have a lot of problems, so we are very curious about the things which are present in our environment. So we want to expose all these things, we want to discover all these things. So for discovering the things, we have to follow a proper method. In science we call it what? Scientific method. Scientific method, right? So scientific method हमारे पास basically क्या होता है कि हमारे पास जो जितने भी issues होते हैं, अगर कोई question है, कोई problem है, तो उसको solve करने के लिए हम एक proper steps को follow करते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो पूरा का पूरा हमारे पास सॉर्ट आउट हो जाता है, वो मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। सो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, जिसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड, और वी आल्सो कॉल इट व्हाट? बायोलॉजिकल मेथड। अगर ये लाइफ से रिलेटेड है, मीन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, देन वी यूज द टर्म बायोलॉजिकल मेथड, राइट? सो इन आवर डेली लाइफ अगर हमारे पास कोई मसले हैं तो हम उनको भी साइंटिफिक मेथड के जरिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, न्यू चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, एंड साथ में चीज़ों को जितनी हमारे पास लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन बेटर वे, राइट? एंड हाउ टू इंक्रीज द नॉलेज। सो वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज दैट रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक्चुअली वी आर टॉकिंग दिस टॉपिक इन बायोलॉजी, सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट? सो पहला तो हमें प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम है बेसिकली क्या। सो बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इशू है, आपको कोई मसला है, जैसे आजकल रिसेंटली कोरोना का इशू हो रहा है, तो पहले हमें पता नहीं था कि ये कोरोना, हमने इसको लेबल नहीं दिया था कोरोना का, ठीक है? तो इसके जितने सिम्टम्स हैं हमारे पास, इसमें चिल भी था, फीवर भी था, नमूनिया भी है, हेडेक भी है, सो डॉक्टर्स जो हैं, और इससे ज़्यादा डेथ हो रही है, तो इससे डॉक्टर्स ने इसको चेक करना शुरू किया कि आया किस बीमारी की वजह से ये हो रहा है। तो अब कोरोना जो है वो नमूनिया की वजह से भी हो रहा है, इसके अंदर चिल फीवर भी है, तो ये मलेरिया के साथ भी थोड़ा रिलेट कर रहा है, सो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, तो ये डॉक्टर के लिए भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बन गया, जिसको लेटर उन्होंने सॉल्व किया, ठीक है? एंड देन उसको COVID-19 का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बेसिकली आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है,
ठीक है, जो कि या तो कोई इसे पूछता है या आप खुद आपके माइंड में, एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में वो क्वेश्चन अराइज होते हैं सराउंडिंग से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एंड लाइफ से रिलेटेड या यूनिवर्स से रिलेटेड। अंडरस्टैंड? नाउ ये जो रिकॉग्निशन है, इस रिकॉग्निशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन राइट, अब ऑब्जर्वेशन आप कोई भी एज द, दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम राइट। सो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रीवियस नॉलेज को जो है रिकॉल करते हैं एंड देन उसकी बेस पे हम न्यू वंस जो है, न्यू ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। सो ऑब्जर्वेशन के लिए माइंड में, जहन में रखें कि सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, सेंस ऑर्गन राइट, फाइव सेंसेस हैं, हम उनको यूज करेंगे एंड उसकी मदद से हम अपने ऑब्जर्वेशंस को बनाएंगे। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं दिस कैन बी क्वालिटेटिव एंड दिस कैन बी क्वांटिटेटिव। राइट, अब ये क्वालिटेटिव जो है इट इज मोर एक्यूरेट, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, एक्यूरेट है हमारे पास क्वालिटेटिव वाला। ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव जो है आपके पास नंबर पे बेस करता है। सो ये आपके पास ये जो क्वांटिटेटिव है, सॉरी क्वांटिटेटिव इज मोर एक्यूरेट, ये चूंकि नंबर पे है सो दिस इज मोर एक्यूरेट राइट, एंड दिस क्वालिटेटिव इज, दिस वन इज इनवेरिएबल। ठीक है, अब यानी ये क्वालिटी पे जस्ट डिपेंड करता है, क्वालिटी अच्छी है बुरी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास जब नंबर आ जाते हैं, जैसे अब कोरोना के केस में कितने नंबर ऑफ केसेस आ गए, कितने परसेंट हमारे पास कोरोना के केसेस हैं, तो इससे आपको जो है वो क्लियर हो जाता है, जो ऑब्जर्वेशन है आपकी वो थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव राइट। सो ये जो क्वांटिटेटिव है दिस इज मेजरेबल, दिस इज मेजरेबल, आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज मेजरेबल और इसको आप नंबर में काउंट भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल लाइक क्वालिटेटिव में हमारे पास अगर हम जैसे फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग या बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या 1 लीटर ऑफ वॉटर जो है इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल। अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं 1 लीटर ऑफ वॉटर इज हैवियर देन द लीटर ऑफ इथेनॉल, सो ये आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप वाटर एंड इथेनॉल को जज करने में। ऑन द अदर हैंड इन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन अगर हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइट, और साथ में अगर दूसरी एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें कि वाटर का जो वेट है, वाटर का जो वेट है वो है 1000 ग्राम और इथेनॉल का जो है जो वेट है दैट इज 789 ग्राम फॉर एग्जांपल राइट। सो दैट इज मोर एक्यूरेट, आपके सामने नंबर आ गए आप इसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हैं राइट। ओके, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपके पास डिपेंड करता है, आप इसमें रीडिंग अदर नॉलेज करते हैं, दूसरों की जो नॉलेज है उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बेस पे आप अपना नया नॉलेज बनाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, द सेकंड स्टेप इज फॉर्मूलेशन ऑफ
हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है, ये आपके पास कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। आपने एक फर्जी स्टेटमेंट बनानी है, सो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लेकिन अभी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है जब तक आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। सो ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन अंटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ क्वेश्चंस। आप जब तक उसके लिए क्वेश्चंस ना बना लें, तो जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर द बिगनर, राइट, यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, राइट। सो आपने क्वेश्चंस को बनाना है, और ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू भी हो सकते हैं, वो फॉल्स भी हो सकते हैं। सो बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशन एंड देन दे कलेक्ट डेटा फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशन, वी कैन से दैट, ठीक है। सो अब ये जो आपके पास हाइपोथेसिस है, दिस इज बेसिकली टेंटेटिव आइडिया है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है आपके ऑब्जर्वेशन के। आपने क्या ऑब्जर्व किया उसको एक जुमले में पुट कर दिया, सो वी कॉल इट वर्ड हाइपोथेसिस। सो नाउ हियर वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कि ये जो हाइपोथेसिस हम जब बनाते हैं तो इसको कैसा होना चाहिए। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। इसको टेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, या एक्सप्लेन आप उसको कर सको, ठीक है। उसके बाद ये एग्री करती हूं, लिख सकते हैं हम एग्री विद दी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन एंड इट शुड बी केप्ट सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। जितना ये सिंपल होगा उतना आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज दैट इट शुड बी टेस्टेबल एंड potentially falsible, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स देर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस, ठीक है। सो अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड अट्रैक्टिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो इसके लिए जो है बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए वो रीजनिंग करते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग जो है हाइपोथेसिस के लिए ये लोग यूज करते हैं रीजनिंग को। अब हमारे पास जो है रीजनिंग क्या है कि अगर ये चीज इस तरह है तो इसका मतलब है ये इस तरह होगी, ठीक है। सो अब रीजनिंग में हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स आते हैं, वन इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग एंड अनदर वन वी हैव इंडक्टिव रीजनिंग, राइट। अब डिडक्टिव क्या है, ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। और इंडक्टिव आपके पास क्या होता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है जनरल टू स्पेसिफिक, एक जनरल टर्म आप यूज करते हैं उसको नैरो डाउन जनरली डिस्कस करते हैं और एंड देन उसको आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे नैरो डाउन कर लेते हैं। और एक जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट से जनरल चीजों को डिस्कस करते हैं, यानी यहां पे ये वाइड हो जाता है, ठीक है। यहां पे चीजों को नैरो डाउन करते हैं, यहां पे एक पॉइंट से उसको मजीद एक्सप्लेनेशन एंड वाइड नॉलेज आपके पास आ जाता है।
नाउ एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इफ यू आर्ग्यू दैट लाइक ऑल बर्ड्स, ये एग्जाम्पल है, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, अगर सारे बर्ड्स के विंग्स हैं तो इसका मतलब है कि पिजन जो है, या अगर हम स्पैरो कह दें, क्रो कह दें, जिसको आपने स्पेसिफाई करना है, राइट, ये क्या है, ये भी बर्ड है। आपने पहले जनरली टर्म कर दी, यानी सारे जितने बर्ड्स हैं उनके विंग्स होते हैं। तो जो पिजन आपने देखा है, जो न्यू चीज अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल देखी है तो उसके विंग्स है, तो आप फिर कहोगे कि इसके ये भी बर्ड है। तो आपने पहले जनरली चीज को डिफाइन करके देन नैरो डाउन कर दिया। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहाँ जो इंडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें है हमारे पास स्पेसिफिक टू जर्नल, तो इसमें हम कहते हैं कि जो पिजन है, पिजन है, स्पैरो है, क्रो है, ठीक है, इसकी क्या है, विंग्स हैं। एक बर्ड को हमने ले लिया, हमने कहा इसकी विंग्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी बर्ड्स हैं उन सब के विंग्स होंगे, ठीक है। कि अगर पिजन के विंग्स हैं तो बर्ड भी हमारे पास क्या है, इट इज अ बर्ड, ठीक है, क्योंकि हमने तो पहले कहा था कि बर्ड के विंग्स होते हैं, तो हमने पिजन को कहा इसके विंग्स हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, ये भी बर्ड है, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी हमारे पास ये डेटा है। तो यहाँ पे जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, थर्ड स्टेप जो है उसको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन हमने पहले तो फॉर्मुलेट कर दिया, हमने जो ये प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी बेस पे हमने हाइपोथेसिस बना दिया, और हाइपोथेसिस की बेस पे हमने डिडक्शन बनाना, ठीक है, अब उसी हाइपोथेसिस को लेके जाना है। अब ये जो है आपके पास क्या है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अब फॉर दिस पर्पस हमने क्या किया, हाइपोथेसिस को हम एज अ ट्रू ले रहे हैं, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अब इसको मजीद हम नैरो डाउन करें और उसको कंसिडर कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है। सो हमारे पास इन जनरली बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है, देन शुड एक्सपेक्ट हम डिडक्शन उसके लिए बनाते हैं। अगर हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रू है, देन उसके लिए हम डिडक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम इफ एंड देन का यूज करते हैं, इफ एंड देन का यूज करते हैं अपने हाइपोथेसिस के, वो जो स्टेटमेंट हमने दिया था उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो इफ एंड देन है ये आगे हम एक्सपेरिमेंट में शो करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिडक्शन में हम यूज करते हैं इन दो टर्म्स का। तो जिस स्टेटमेंट में ये दो हों तो इसका मतलब है कि वो क्या है, डिडक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद डिडक्शन के बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट्स का, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस डिडक्शन को प्रूव करने के लिए। सो जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करते हैं ताकि उनकी जो हाइपोथेसिस जो उन्होंने बनाई है वो सही है कि नहीं, जो डिडक्शन उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है वो उसको अब टेस्ट करना है और वो किस हद तक वो ठीक है। तो इसमें डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाते हैं, और फिर उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा हम हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उन हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि कौन सी वाली हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक है और जो इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट जो हमारे पास है, इनकरेक्ट हाइपोथेसिस जो होती है, ठीक है, हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं, और जो करेक्ट वन होती है, जो आप एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसको प्रूफ वो हो रहा है, उसको हम ट्रू साबित कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन उसकी जो आपके पास करेक्ट आ गई, इसको मजीद प्रूफ करने के लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं,
सो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम एक रखते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक रखते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। अब जो कंट्रोल ग्रुप है इसमें हमने क्या करना है, हमने इसको इसके साथ एक्सपेरिमेंट के साथ कंट्रास्ट करना है। सो आपके पास ये जो दोनों ग्रुप जिनको आप टेस्ट कर रहे हैं ये एक जैसे हैं सवाए एक वेरिएबल के, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ वन वेरिएबल का है, इन दोनों में सारी कंडीशन सेम होंगी, जस्ट वन वेरिएबल, वेरिएबल मीन कोई कंडीशन जो आप उसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो वो सिर्फ डिफरेंट होगी एंड आप उस वेरिएबल की बेस पे आगे एक्सपेरिमेंट को, मतलब आप कहते हो कि हाइपोथेसिस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल क्या है, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स कह दें, फॉर फोटोसिंथेसिस कह दें, फोटोसिंथेसिस राइट। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी चेक करनी है तो आपने एक ग्रुप आपने कंट्रोल ग्रुप बना दिया और दूसरे को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना दिया। तो इसका जो कंट्रोल ग्रुप है, यहाँ पे जो कंट्रोल ग्रुप है ये वो ग्रुप है जिसमें आपने क्या करना है कि आपने ऑल वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है, एंड साथ में क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपने कंट्रोल ग्रुप में दे देनी है। सो आपके पास जो कंट्रोल ग्रुप हो गया उसमें आपने जितने भी ये वेरिएबल्स थे आपने फ्रीली प्रोवाइड कर दिए और हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसी का जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसमें आपने सारे वेरिएबल्स देने एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कर रहे हैं तो जिसको आप चेक कर रहे हैं वो उस वाले वेरिएबल को आप प्रोवाइड नहीं करें। एंड देन जब प्रोसेस इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा और इस वाले ग्रुप में नहीं होगा तो ये आपको शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये हमारा होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं अपने रिजल्ट की समरी बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, ठीक है। डिडक्शन है, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है रिजल्ट। अब आप क्या कहते हैं कि रिजल्ट्स जब बनाते हैं तो जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा है आप इसमें क्या लेते हो, क्वांटिटेटिव डेटा उसको गैदर करते हैं, ठीक है, एंड हर एक ग्रुप का जितना भी है उसको फिर आप चेक करते हो स्टेटिस्टिकली किसी एक फ्लावर के ऊपर या किसी एक प्लांट के ऊपर। आप एक्सपेरिमेंट करके ये साबित नहीं कर सकते कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो ठीक है, उसके लिए आपने डिफरेंट प्लांट्स लेने हैं एंड देन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन आप उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, स्टेटिस्टिक के फार्मूले होते हैं जैसे मैथ्स के फार्मूले होते हैं। तो इसमें भी हम जैसे एवरेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एंड इसके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे इसके फार्मूलाज हैं वो हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को समराइज कर सकें एंड देन हम उस डेटा को क्या करते हैं उसकी कंक्लूजन निकालते हैं, उसकी कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। सो बायोलॉजिस्ट जो हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए हमारे पास कंक्लूजन निकालते हैं एंड देन रिजल्ट फाइनली जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। एंड ये जो रिजल्ट है आपके पास आप इसको बुक्स वगैरह में जर्नल्स में हम इसको शाया करते हैं, ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास आ जाता है रिजल्ट।
एंड अब इस रिजल्ट के बेस पे आप क्या बनाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, राइट। अब ये थ्योरी अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, एक्सेप्टेबल हो गई, देन वी कॉल इट व्हाट, लॉ। अब जो थ्योरी है इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन लॉ के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती। जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्टेबल हो गया, देन हम उसको लॉ का नाम देते हैं। और थ्योरी जो है, आप जब कोई साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट जब थ्योरी बनाता है अपने रिजल्ट के बेस पे, तो डिफरेंट अदर साइंटिस्ट ट्राई करते हैं कि वो उसको डिसप्रूव कर लें। अगर वो डिसप्रूव हो गए तो वो दूसरा बंदा अपनी थ्योरी दे रहा है, ठीक है, उसने इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया। लेकिन अगर ये थ्योरी जो है हर एंगल से प्रूव हो रही है, देन इट बिकम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और उसको हम नाम देते हैं लॉ या प्रिंसिपल। तो बायो में हम जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास थ्योरी की अगर हम बात करें तो डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, और थ्योरी में हम पढ़ते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो दिस इज होल अबाउट द biological method and steps of biological method. Hope you understand the topic. Kindly subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.